अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हसन अब्बास आपके फिजिक्स टीचर। डियर, आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारा दूसरा टॉपिक है चैप्टर नंबर 14 का, अलग से करंट वाला जो है। देखिए भाई, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ ए कंडक्टर कॉल्ड द डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर पार्ट ऑफ एनर्जी चार्ज फॉर द सर्किट। इससे मुराद ये है, देखिए भाई, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, बेसिक एक आपके पास डिफरेंस है तो पोटेंशियल का मतलब के चार्जेस का एक डिफरेंस होता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर बैटरी है इस तरह के, ये अगर हमारे पास एक बैटरी है तो जिसमें से एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है, और यहाँ पर हमने एक कंडक्टर जो है कनेक्ट किया है इसके साथ, ये भी पॉजिटिव है, ये भी, ये नेगेटिव है। अब इसमें ये होगा कि इससे पॉजिटिव साइन से मुराद क्या है और इससे मुराद ये क्या है। पॉजिटिव साइन ये शो कर रहा होता है कि इस वक्त इसका जो पोटेंशियल है, जो ताकत है इसकी, इस वाले से ज्यादा। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस हम ये कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर कॉज द डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट करने का बायस बनती है। दोबारा सुने कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक दूसरी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने का बायस बनती है, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसका SI यूनिट है वोल्ट, इसका SI यूनिट वोल्ट है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है जब मेजर की जाती है तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम यहां पर एक आला इस्तेमाल करते हैं जिसको कहा जाता है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या है? वोल्टमीटर एक ऐसा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम करंट को डिटेक्ट करते हैं, और जब इसको हम मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, तो इस वोल्ट मीटर को बैटरी के पैरेलल आप कनेक्ट करेंगे। दोबारा सुन लें कि मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसमें आप लोग वोल्ट मीटर को बैटरी के पैरेलल जो है कनेक्ट करेंगे। तो इसी तरह से हमारे पास ये एक दूसरी टर्म यहाँ पर इस्तेमाल होती है जिसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है इसकी एक शॉर्ट फॉर्म होती है E.M.F, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। डेफिनेशन इसकी ये है कि एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म व्हेन वन कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पासेस थ्रू द बैटरी, दिस इज नोन एज EMF। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि बैटरी जो है ये एनर्जी की यहाँ पर दो फॉर्म्स होती है। कौन कौन सी होती है? एक इलेक्ट्रिकल होती है और एक होती है नॉन इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल और नॉन इलेक्ट्रिकल में क्या फर्क है? देखिए भाई, जब तक इस बैटरी के साथ आप कोई कंडक्टर जो है कनेक्ट नहीं करते, कंडक्टर कनेक्ट नहीं करते, ये आपके चार्जेस जो है फ्लो नहीं करते। जब तक चार्जेस फ्लो नहीं करते उस वक्त तक जो बैटरी की एनर्जी होती है वो होती है नॉन इलेक्ट्रिकल, और जब चार्जेस फ्लो करने शुरू कर देते हैं तो उस वक्त वही वाली एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। अब यहां पर हम EMF के बारे में पढ़ते हैं। तो EMF क्या है? EMF एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म। इससे मुराद ये है कि जब बैटरी का एक कूलम चार्ज जो है पास होता है तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि बैटरी की नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये एनर्जी जो है हमारे पास EMF कहलाती है, मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आप इसका फॉर्मूला है EMF दैट इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। अब एनर्जी जो है इसका यूनिट जो है वॉट होता है, चार्ज के चार्ज का इसका यूनिट कूलम होगा। तो इसको हम यू लिखेंगे कि W जो है ये एनर्जी को काउंट कर रहा है, यहां पर आप वाट में कह सकते हैं, इसलिए यहां पर उसने W लिखा है। और वाट और एनर्जी का यूनिट सेम होता है, जूल आ गया। ये आपके पास चार्जेस है, यहां पर चार्ज का यूनिट होता है कूलम, इसलिए यहां पर इसका जो यूनिट हम काउंट करेंगे वो होगा हमारे पास जूल पर कूलम। अब इस EMF की जो मेजरमेंट होती है, EMF की मेजरमेंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस की तरह होती है, लेकिन फर्क ये होता है कि जहां आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं उस वक्त आप वोल्ट मीटर को जो है पैरेलल कनेक्ट करते हैं।
जब आप लोग ईएमएफ कनेक्ट कर मतलब कि ईएमएफ वायर करते हैं, उस वक्त आप वोल्ट मीटर को बैटरी जो है डायरेक्ट जो है बैटरी के साथ ही आप लोग कनेक्ट कर देते हैं, तब आप ईएमएफ जो है वायर कर सकते हैं। यहां पर आपने दो चीजें पढ़ी, एक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी और उसका हमने यूनिट पढ़ा। यहाँ तक हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन कम्प्लीट होता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ने के बाद हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन के बाद हमने फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूले के बाद हम उसके एसआई यूनिट पे पहुंचे। नेक्स्ट हमने मेजरमेंट देखी है पोटेंशियल डिफरेंस की और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। तो अब जो हमारे पास टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये टॉपिक जो है इतना ही अहम है, ये है आपके पास ओम्स लॉ। अब ये ओम्स लॉ क्या है? ओम लॉ ये एक साइंटिस्ट था ओम, ठीक है, उसने एक लॉ पेश किया था। उस लॉ के अंदर उसने यहाँ पर ये हमें बताया था कि अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड प्रोवाइड द टेंपरेचर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। इससे मुराद ये है कि उस ओम ने हमें ये बताया था कि किसी भी कंडक्टर से अगर चार्ज पास हो रहा है तो उसके अंदर करंट और ये जो वोल्टेज है इसकी मिकदार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आप उसे चार्ज दोगे उतना ही ज्यादा आपके पास वोल्टेज होगा, जितना ही ज्यादा आप वोल्टेज दोगे उतना ही ज्यादा आपके पास चार्ज होगा। लेकिन उसने एक शर्त बताई है, शर्त ये है कि टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर जो है ये चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस वक्त आपके पास जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे होते हैं तो उसकी फिजिकल स्टेट पे इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल, अगर आप लोग वायर यूज कर रहे हैं तो वायर का टेम्परेचर अगर बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो गया है, तो उस वक्त आपके पास ये वायर है ये जल सकती है। नेक्स्ट आप यहाँ पर फिजिकल स्टेट की बात करें तो फिजिकल स्टेट के अंदर आप क्या देखते हैं कि फिजिकल स्टेट में उसकी जो फिजिकल हालत है वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर आपके पास ये है कि आई दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, मतलब कि करंट जो है ये वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इससे मुराद ये है कि जितना ज्यादा आपके पास करंट होगा उतना ही ज्यादा वोल्टेज होगा। नेक्स्ट आपके पास है वोल्टेज दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब कि वी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इससे मुराद ये है कि जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ही आपके पास करंट ज्यादा होगा। अब इसको आप लोग क्या करते हो, V is equal to I R हो जाता है। ये I क्या है हमारे पास? एक कांस्टेंट है जो कि हम सॉरी बल्कि R जो है हमारे पास एक कांस्टेंट है, इसको रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। यहाँ पर हमने एक ग्राफ बनाया है, ग्राफ के अंदर हमने दो क्वांटिटीज ली है, एक है हमारे पास करंट और दूसरा है हमारे पास वोल्टेज। करंट क्या है? जितना ज्यादा आप करंट बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा वोल्टेज होगा, जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा करंट होगा। अब यहाँ पर आप लोग रेजिस्टेंस भी लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की जो उसके अंदर करंट को पास होने से रोकती है, ठीक है। फिर इसका एक यूनिट होता है ओम, ओम मीटर इसका यूनिट होता है। तो उम्मीद है बेटे कि आज जो हमने ये चीजें पढ़ी हैं तो आपको समझ आ गई होंगी। मजीद अगर मेरे पास अगर आपको ये समझ नहीं आई तो आप लोग सेम जैसे करते होते हैं हमसे कॉन्टेक्ट करें किसी भी तरह से, और हमारा जो लिंक है इसको आप लोग लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी नई वीडियोज जो है लेक्चर की पहुंच सके।